करने के लिए गेंदबाज कामेश्वर, तुरुप का पत्ता एक तरफ, गेंदबाजी करने का मौका मेरे हिसाब से मिल सकता है जपर को, जो कि एक स्ट्राइक गेंदबाज है जम्मू कश्मीर में। देखिए क्या विकल्प कितने हैं कि यहाँ पर कामेश्वर दास को मौका मिला है। सामने एक अनुभवी बल्लेबाज विक्रांत केनी, 12-13 के ऊपर खेलते हुए 12 गेंदों का सामना किया। फील्डिंग देखिए, स्टेटमैन पॉइंट कवर पर खिलाड़ी मौजूद, एक्स्ट्रा कवर, एक लॉन्ग ऑफ, तेज कदमों के साथ दौड़ना शुरू किया। बढ़िया गेंद लेकिन लक्ष्य की तरफ जाती हुई और वाइड बॉल का इशारा, वाइड के साथ शुरुआत होती हुई। एक बार फिर देखिए उनके हाथ की तरफ मैं देख रहा हूँ और किस तरह से ये पकड़ते हैं यार, किस तरह से रिलीज कर रहे हैं। कैमरा थोड़ा और क्लोज जाएगा तो और फायदा होगा, मैं कैमरा मन को विनती करूंगा। 41 रन एक विकेट के नुकसान पर गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर गेंदबाज तैयार कामेश्वर। एक मिनट थोड़ा, ये बच्चे आधा घंटा मैच और चलेगा, कोई भी नेट प्रैक्टिस ना करे। सभी फादर से और सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि सिर्फ आधा घंटा रुक जाए। एक रन के साथ रन संख्या बढ़ रही है, 42 रन एक विकेट के नुकसान पर। देखिए और जिसको नहीं सुना हो तो मैं फिर आके सुना भी सकता हूँ, फिर ये मत करना। ये ग्राउंड में बच्चे खेल रहे हैं क्रिकेट मना करने के बाद भी। कामेश्वर की अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, बढ़िया गेंद ऑफ टर्म के बाहर, स्क्वायर कट करने की कोशिश, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई। मैं हमारे कैमरेमैन को एक बार फिर बताना चाहता हूँ थोड़ा और क्लोज बॉडी की तरफ जाइए, क्योंकि जिस तरह से ये इनके दोनों हाथ दिखाई दे रहे हैं, ग्रीप करने के लिए कुछ नहीं है इनके पास, लेकिन हौसले बुलंद है। सबसे बड़ी बात, मंजिलें उन्हीं को मिलते हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। बढ़िया हवा में क्या कैच होगा, ले लीजिए मैच में कैच, सपना साकार होता हुआ गेंदबाज का। अभी जिस तरह से मैंने पिच को देखा है, बॉल जितनी नीचे रह रही है, अगर स्पिनर इस पे अगर कप्तान लगाते हैं तो मुझे होप है कि विकेट्स ज़्यादा जाने की उम्मीद है, क्योंकि बॉल में ना तो उछाल है और ना ही बॉल में स्पीड आ रही है। हेलो, ये भी एक विकल्प हो सकता है। हेलो हेलो, अशोक जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक जी आपका स्वागत है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। और अब मैं निवेदन करना चाहूँगा हमारे बीच में जो यहाँ पहुँचे हुए हैं, जो हरियाणा दिव्यांग, आल हरियाणा दिव्यांग अधिकार समिति के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर पहुँचे हैं, एडवोकेट संजय कुमार जी और प्रदेश महासचिव भाई सुनील पंवार हमारे बीच में। पंवार हो है कि बता दी, मैं देख कदे गड़बड़ करवा देता हूँ, कदे ठाकरा वाला ऋण का सौदा हो जाए ना, तो उनको संयुक्त रूप से हमारे पदाधिकारी जो सम्मान दे रहे हैं दिव्यांग भाइयों को। कल इनका भी बहुत बड़ा स्तर का कार्यक्रम था, दिव्यांगों को सम्मानित किया था इन्होंने अपने पंचायत भवन में। आज दोनों दिव्यांग भाइयों को हम सम्मानित करके अपने PCCI को धन्य समझ रहे हैं, भाई सुरेंद्र लोहिया जी, सभी ने आप देखिए पिछले कैच की कुछ स्पेशलिटी थी उसमें, ये जो गेंदबाज दोनों हाथों के लिए प्रॉब्लम समस्या है, उसके बाद स्टिक वाला जो खिलाड़ी था इन्होंने स्टिक को छोड़ा था, दोनों हाथों से तकनीकी तौर पर स्ट्रांग खिलाड़ी, यहाँ ये बहुत अच्छी बात। अगर ये रिप्ले आप बार बार देखेंगे तो मेरे हिसाब से 100 बार देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं। देखिए मेहताब अली ने जो कैच पकड़ा वो मैंने ये मार्क किया कि उसने पहले से ही बॉल को जज कर लिया था कि बॉल कहाँ है, ना तो आगे गया ना पीछे गया। धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया। और मैं अब लो ये उन्होंने बोला, ये जबरदस्त एक और
बिल्कुल ये रिप्ले भी देखिए क्या कमाल का रिप्ले है। क्रिस के कोने का इस्तेमाल, छलांग लगाई, टप्पा मिडल स्टंप पर है, बल्ले को लगी और सीधे स्टंप पर टकराती भी। वाह भाई वाह, कमाल की गेंदबाजी कामेश्वर, कमाल की गेंदबाजी। पहले इन्होंने कैच आउट किया, उसके बाद में क्लीन बोल्ड कर दिया। और इंटरनेशनल लेवल पर 1982 में जलालुद्दीन ने पाकिस्तान के गेंदबाज है और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली जो कि विकेट ली थी वो रिकॉर्ड है भारत के लिए। चेतन शर्मा ने मिडल स्टंप, ऑफ स्टंप और लेग स्टंप तीन बार क्लीन बोल्ड किया था 1987 में। और हरभजन सिंह ने 19 साल के, जिन्होंने बहुत ही बड़ा कारनामा किया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो यहाँ मौका है कीर्तिमान बनाए का। तो हैट्रिक का मौका है, हैट्रिक ऑन है। हेलो हेलो, बढ़िया गेंद, रक्षात्मक स्ट्रोक, हैट्रिक ऑन थी लेकिन तारीफ करने की। एक बार फिर वो कैमरा थोड़ा क्लोज जाएगा, एक बार फिर मैं इनके हाथ देखना चाहता हूँ। बहुत ही देखिए कितना इनके पास पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। एक बार फिर वो किस तरह से गेंद पकड़ेंगे देखिए, तारीफ करने की। दो विकेट चटकाए मैच में, एक बार फिर जान डाल दी है वही खिलाड़ी, उनका नाम है कामेश्वर। बहुत सुंदर, जो कि आसाम से है। लास्ट ईयर जब PCCI का सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स का एक जस्ता आसाम गया था तो वहां से इस खिलाड़ी को सिलेक्ट किया। बहुत दुर्भाग्य का टाइम था कि उस समय कामेश्वर दास जो हैं इनकी माताजी का स्वर्गवास हुआ और उसके बावजूद इस लड़के ने अपने क्रिकेट को, अपने खेल को, अपने प्रदेश को प्रथम स्थान पर रखते हुए मैच में अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाकर अपनी माता को एक सच्ची श्रद्धांजलि दी। तो इसी को कहते समर्पण। मैं पैशन ऑफिशियल फोटो लिंक कंपनी के कैमरामैन से बोलूंगा कि वो इस प्लेयर के थोड़े क्लोज फोटोग्राफ्स निकाले। फोटो लिंक कंपनी से जो मौजूद यहाँ कैमरा